हेलो, दिवाली के मौके पर आज रिलीज हुई है टाइगर 3, जिसमें आपको दिखेंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, और इसे डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने। कहानी बहुत ही सिंपल है। टाइगर यानी कि सलमान खान और उनकी पार्टनर जोया यानी कि कैटरीना कैफ को पाकिस्तान के एक टेररिस्ट आतिश रहमान की तरफ से धमकी मिलती है कि भाई सुनो, तुम दोनों मेरे कहे अनुसार काम करो, नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को मैं बहुत कुछ कर दूंगा। अब क्या वो उनके कहे अनुसार चलते हैं कि नहीं, यही है फिल्म की कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने इस फिल्म को दिए 3 स्टार्स और वो लिखते हैं कि सबसे पहले तो सलमान खान के फैंस खुश हो जाइए, भाई इज बैक, भाई इज फिट, मतलब डेयर डेविल स्टंट्स कर रहे हैं जो कि लॉजिक और डेथ दोनों को डिफाई करते हैं। कहानी में कॉन्स्टेंट थ्रिल्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स में ट्विस्ट्स हैं और आधे तो पॉसिबल हैं। कैटरीना कैफ का किरदार इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है और इसमें उन्हें कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, मोटिव दिया गया है। बाकी इमरान हाशमी शाइन्स लाइक अ स्टार। कहने का मतलब ये है कि टाइगर 3 इज़ अ फुल ब्लोन विजुअल स्पेक्टैकल और एक मास एंटरटेनर में जो असला बारूद होना चाहिए वो सब है इस फिल्म में। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दी है 2.5 स्टार्स और वो लिखती हैं कि फर्स्ट हाफ काफ़ी पेसी है, जहां आपको कई लोकेशंस देखने को मिल जाएंगी, कई एक्शन सीक्वेंस भी, पर पोस्ट इंटरवल चीज़ें थोड़ी डिप होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ही पार्ट्स में आपको स्पार्किंग होती दिखेगी, जैसी दिवाली की वो 2-3 साल पुरानी लड़ियाँ होती हैं ना, जो जलती बुझती रहती हैं। बस बिल्कुल वैसा ही भाई। सलमान खान की उम्र झलकने लगी है, पर भाई बिंदास हैं और अपनी उम्र बिल्कुल नहीं छुपाते। न्यूज़ 18 की दीपिका शर्मा ने इस फिल्म को दी है 3 स्टार्स और वो लिखती हैं कि पहला हाफ बहुत ही ढीला और बोरिंग है, पंच है ही नहीं, ज़्यादा टाइम एक्शन में निकल जाता है। सेकंड हाफ में आपको स्पीड और थ्रिलिंग पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब सलमान खान एक जगह फंस जाते हैं और उन्हें बचाने को ही आता है। कौन ये मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हो, वही, हाँ बिल्कुल वही आते हैं। बाकी YRF की जितनी भी स्पाई यूनिवर्स काइंड ऑफ कहानियाँ हैं, ये कहानी भी वैसी मिलती जुलती है। कैटरीना कैफ का कमाल का एक्शन है जो कि हाई पॉइंट है इस फिल्म का। सलमान खान का स्वैग है, इसके बावजूद जो डायरेक्टर मनीष शर्मा है ना, वो फिल्म का ढीलापन दूर कर ही नहीं पाते। मतलब अब तक जितनी भी टाइगर फ्रेंचाइज की फिल्म रिलीज हुई है ना, ये फिल्म उनमें से सबसे ज़्यादा ढीली है। बीवी का मायका बचाने के चक्कर में खुद का घर लुटवा बैठे टाइगर, यार ये थॉट आता है आपके जहन में जब आप टाइगर 3 देखते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे NDTV के नरेंद्र सैनी, जिन्होंने इस फिल्म को दिए हैं 2 स्टार्स और वो लिखते हैं कहानी बहुत ही एवरेज है और यार फैंस को वेट रहता है कि भाई सलमान खान एंट्री मारेंगे, सीटियाँ बजाएंगे, पर वो वाव फैक्टर इस फिल्म से मिसिंग है। सलमान खान ने अच्छा काम किया है, कई सीन्स में वो जमे हैं। कैटरीना कैफ ने काफ़ी मेहनत की है पर बहुत ही एवरेज लगी हैं। इमरान हाशमी ने अच्छा काम किया है बट यादगार नहीं। तो ये थी समीक्षकों की राय अबाउट फिल्म टाइगर 3। और जाते जाते दिवाली वाली स्पेशल शायरी मेरे जनाब, जो पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, जो पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये घटिया शायरी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले BBC हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए और घटिया शायरी भी लिखिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी दिवाली।